हेलो फ्रेंड्स, एंजाम सिंह। आपने मेरी पिछली वीडियो इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप में पार्टनरशिप के बारे में स्टडी किया और कई स्टूडेंट्स ने फीडबैक भी दिया कमेंट्स में कि सर पार्टनरशिप करवाने से पहले थोड़ा बेसिक अकाउंट के बारे में बताओ। आज हम बेसिक अकाउंट करने जा रहे हैं, अकाउंटेंट से कुछ गोल्डन रूलों के बारे में स्टडी करेंगे। देखिए, आइए बेसिक अकाउंट्स। बेसिक अकाउंट करने का क्या फायदा है, इंपॉर्टेंस ऑफ बेसिक अकाउंट्स। बेसिक अकाउंट्स के अंदर हम अकाउंट्स प्रिपेयर करने के लिए रूल रेगुलेशन को स्टडी करेंगे। इन रूल रेगुलेशन को स्टडी करने के बाद हम कोई भी अकाउंट्स आसानी से प्रिपेयर कर सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। सबसे पहले हम टाइप्स ऑफ अकाउंट के बारे में स्टडी करेंगे। टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, खातों के प्रकार। सबसे पहले हमारा यही मेन फोकस होगा टाइप्स ऑफ अकाउंट्स पे। अकाउंटेंसी के अंदर दो प्रकार के अकाउंट होते हैं हमारे। फर्स्ट इज पर्सनल अकाउंट्स, फर्स्ट इज पर्सनल अकाउंट्स एंड सेकंड इज इम्पर्सनल अकाउंट। इम्पर्सनल अकाउंट व्यक्तिगत खाते और अव्यक्तिगत खाते। अव्यक्तिगत खाते के टू पार्ट्स, फर्स्ट इज रियल अकाउंट एंड सेकंड इज नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट। टाइप्स ऑफ अकाउंट, अकाउंट के टू टाइप होते हैं। फर्स्ट इज पर्सनल अकाउंट एंड सेकंड इज इम्पर्सनल अकाउंट। इम्पर्सनल अकाउंट के टू पार्ट्स होते हैं, रियल अकाउंट एंड सेकंड इज नॉमिनल अकाउंट। अब ये अकाउंट्स अकाउंटेंट से कंपेयरिंग अकाउंट्स के टाइप ऑफ अकाउंट्स के कुछ रूल दिए हुए हैं, अभी हम रूल्स के बारे में स्टडी करेंगे। आइए हमारा फर्स्ट था पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट व्यक्तिगत खाते, जैसे कि नाम से पता है व्यक्तिगत खातों में किसी भी व्यक्ति संस्था के जितने भी अकाउंट होते हैं पर्सनल अकाउंट के अंडर तैयार किए जाते हैं। पर्सनल अकाउंट्स के रूल है, उस रूल्स को फॉलो करके हम कोई भी अकाउंट पर्सनल अकाउंट के अकॉर्डिंग आसानी से प्रिपेयर कर सकते हैं। पर्सनल अकाउंट का रूल है डेबिट द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। सेकंड है हमारा रियल अकाउंट। इम्पर्सनल अकाउंट्स के टू टाइप होते हैं, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। रियल अकाउंट का रूल है डेबिट बट कम्स इन एंड क्रेडिट बट गोज आउट। क्रेडिट बट गोज। रियल अकाउंट का रूल है हमारा डेबिट बट कम्स इन एंड क्रेडिट बट गोज आउट। हमारा थर्ड अकाउंट है इम्पर्सनल अकाउंट का सेकंड पार्ट इज नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट, रियल अकाउंट में वास्तविक खाते, नॉमिनल अकाउंट के अंदर नाममात्र खाते। नॉमिनल
नाम मात्र खाते नॉमिनल अकाउंट का रूल है डेबिट आर एक्सपेंस लोसिस, डेबिट आर एक्सपेंस लोसिस एंड क्रेडिट आर इनकम एंड गेन। अब बात होती है रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट के अंदर कौन कौन से अकाउंट प्रिपेयर किए जाएंगे। पर्सनल अकाउंट के अंदर तो हमारे किसी व्यक्ति संस्था के खाते तैयार किए जाते हैं, जैसे कोई भी एबीसी कैपिटल अकाउंट पर्सनल अकाउंट के अकॉर्डिंग प्रिपेयर होगा, किसी भी संस्था का अकाउंट जैसे एक्स फर्म है कोई भी फर्म के अकाउंट भी पर्सनल अकाउंट के अंदर तैयार होंगे। रियल अकाउंट के अंदर कौन से अकाउंट तैयार होंगे, सबसे महत्वपूर्ण है बिजनेस के अंदर हमारी एसेट्स जितनी भी संपत्ति होती है सारे के सारे खाते इस रियल अकाउंट के अंदर तैयार किए जाएंगे। थर्ड है नॉमिनल अकाउंट, प्रत्येक फर्म वर्ष के अंत में जाना चाहती है कि उसे कितनी इनकम लॉस कितने हुए हैं। नॉमिनल अकाउंट के अंदर कोई भी फर्म अपने आय और व्यय हम निकालने के लिए नॉमिनल अकाउंट के अकॉर्डिंग अपने खाते तैयार करती है।